Good morning everyone i am yashi pandey your mentor for english and i welcome you to MBA mbibt bank and insurance exams youtube channel aaj hai 3rd of december and we are back with the hindu editorial analysis jahan pe aaj hum kal ke analysis ko discuss karenge now ho kya raha hai aap logo ko already pata hai saturdays ko the studios are not available most of the time so आपका session लेकिन खाली नहीं जाएगा राइट revise होगा homework होगा वो अभ्यास होगा और article discussion भी होगा सब कुछ होगा आज की क्लास में लेकिन हाँ बस ये क्लास वन आवर की जगह एन की होगी sure के के है, है, आज आज रखा है और शुरुआत तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक आपके और हमारे बीच में एक छोटा सा कनेक्शन नहीं बन जाता और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले तो जितना पॉसिबल हो सके सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो सैटरडे मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आइए सेशन को लाइक एंड शेयर करिए इन्जॉय करिए लर्न समथिंग एंड गो बैक होम रेस्ट सब्सक्राइब अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा ताकि कल आपको वापस हम वेलकम कर सके यहाँ पे चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक ब्यूटिफुल से थॉट फॉर द डे से हम बड़े स्केप्टिकल नहीं रहते इस ग्लास को देखो आधा भरा है और आधा खाली है ये डिबेट आज से नहीं चल रहा है ये जब हम छोटे थे तब से हम सुनते आ रहे हैं और इस डिबेट का कोई कंक्लूजन नहीं है इसको ऐसे भी तो देखा जा सकता था ना कि इस ग्लास को हम चाहे कितनी बार भी रिफिल कर सकते हैं वाई आर वी सींग द वॉटर इन साइड द ग्लास वाई आर वी नॉट सींग ग्लास वी आर लाइक अ इट इसमें अगर कंज्यूम हो भी जाए सारी एनर्जी तो भी बहुत कुछ होता है फीड करने के लिए जैसे हम हमेशा कहते हैं ना लर्निंग नेवर स्टॉक्स रिमेंबर ग्लास इज हाफ एम टी और फुलंट जो लोग ये डिस्कशन करेंटेक हो तुम पैसे मिस्टेक हो तुम नेगेटिव देखते हो तुम पॉजिटिव देखते हो ग्लेबल आप ग्लास को रिफिल कर सकते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस इसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है अपने आप को एक, एक खाली सा आप समझ लीजिए कि आप एक खाली सा ग्लास हो एक खाली सा कंटेनर हो जहाँ पे हर रोज कुछ कुछ इनपुट्स आते हैं कुछ कुछ भूल जाता है फिर वापस आता है जब ग्लास भर जाता है एग्जॉस्ट हो जाता है तो छलक भी जाता है बट देन एट द एंड ऑफ द डे तुम इसे वापस फिल कर सकते हो अब ये तुम्हारे ऊपर है तुम इसमें गुड इनपुट्स डाल रहे हो बैड इनपुट्स डाल रहे हो प्रोडक्टिव है या अनप्रोडक्टिव है टाइम तो सारी चीज़ें कंज्यूम करती हैं है ना इनफैक्ट अगर आप फीफा वर्ल्ड कप भी देख रहे हैं आई मीन आई वुड नॉट से यू नॉट टू वॉच इट बट इवन इफ यूर वॉचिंग अ फीफा वर्ल्ड कप इवन दैट इज कंज्यूमिंग योर टाइम बेटर यूज इट इन समथिंग

See and how you people respond to those. so We'll start with your first question, but before that, all I need is that you people need to like and share the session as much as possible. jitne log aa gaye ho session ko like kar do share कर दो, subscribe कर दो, जहाँ जहाँ भी आप social media platforms पर पढ़ते हो, use करते हो, वहाँ तक इसे फैला दीजिए। चलिए, सबसे first question की तरफ आ रहे हैं, all the very best हाँ, all the very best everyone. Let's see how you perform. So here is your first question. The screen is all your students to you carry all before one. What does this mean? Take your time. Options को eliminate करने की कोशिश करिएगा. क्या होगा? इस idiom को बहुत popularly use किया जाता है, especially when it comes to politics. ठीक है, politics के मैदान में जैसे कहते हैं ना कि हमने बहुत सारे कंडेमनेशन uh, बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेला लेकिन फाइनली वी ओवरकम एवरीथिंग सो व्हेन यू ओवरकम बेसिकली ऑल द ऑपोजिशन वैन यू ओवरकम ऑपोजिशन इसको हम लोग बोलते हैं आप लोगों का टू कैरी ऑल बिफोर वन नाउ लेट सी द द्वेश्चन हम एक बार ऑप्शन को चेक कर लें यहां पर क्या हम लिख सकते हैं दैट यू आर फ्री फ्रॉम डेंजर आप खतरे से बाहर आ चुके हो इसका कोई सेंस ही नहीं जा रहा सेंटेंस में यूर नॉट इवन मेकिंग अ प्रॉमिस आपने कोई शपथ नहीं ली कोई वाव नहीं लिया फिनिश क्विकली इज नॉट मेकिंग सेंस देर इज ओनली वन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इट हैज टू बी कम्प्लीटली सक्सेसफुल दैट्स इट एलिमिनेट करो एंड यू गेट योर आंसर परफेक्ट राइट डाउन आउट ऑफ एंड क्विकली प्रोसीड टू नंबर नेक्स्ट वन इज टू कैरी द कन्वेक्शन ये आइडियम आप पहली बार सुन रहे हैं द वे हाउ कैन यू कैरी द कन्वेक्शन कैसे प्रूव करोगे कोई चीज कन्विक्शन मतलब क्या होता है वर्ड इट सेल्फ चलिए लेट्स आप लोगों को पहले ना मैं इसका बेस वर्ड पढ़ाती हूँ लेट्स कम टू वर्ड कन्विक्शन ओके अगर मैंने आपसे कहा कि पता है मैं तो अभिषेक से बात ही नहीं कर सकती बिकॉज ही इवन सेक्शन

ए और बी में बहुत लड़ाई हो रही थी फिर मैंने कहा यार ऐसे नहीं चलेगा प्लीज रिकनसाइड सो वेन यू रिकनसाइड यू आर एक्चुअली मेकिंग योर फ्रेंडशिप ग्रो राइट सो द आंसर इज ओनली लेफ्ट विथ वन यू आर ब्योरिंग द प्रूफ ऑफ द ट्रूथ हाउ यू यूज इट इन योर सेंटेंस राइट राइट राइड योर स्कोर्स आउट ऑफ टू एंड हियर कम्स नंबर थ्री वाइट एलिफेंट दिस इज सच एन ईजी वन ये तो बहुत ईजी डूएबल क्या हो सकता है इसका आंसर लेट्स डिस्कस द एलिफेंट इन द रूम सुना है आप लोगों ने चलिए मैं आपको एलिफेंट के टर्म से इस ईडियम को समझाती हूँ okay. uh, अच्छा एक बात बताओ मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा पेट डॉग है या फिर एक कैट है यू हैव अ पेट एनिमल राइट इमेजिन उसको हम कितना खर्चा करना पड़ता है ना उसको रखने के लिए अब सोचो तुम्हारे पास एक वाइट कलर का एलिफेंट है ऑब्वियसली बात एक्सपेंसिव है है ना और वो तुम्हारे यूटिलिटी के लिए भी काम नहीं आएगा क्योंकि एक डॉग कम से कम घर को प्रोटेक्ट तो कर रहा है एलिफेंट क्या कर रहा होगा राइट एन एलिफेंट एलिफेंट इन द रूम और अ वाइट इज इज एक्चुअली हु एक्सपेंसिव टू कीप एंड यूजलेस तो इसके लिए क्या बन रहा है इज इट एन एलिफेंट विद वाइट स्किन ये तो बड़ा रेसिस्ट कॉमेंट हो जाएगा नहीं अ कॉस्टली थिंग नहीं होगा अ कॉस्टली एंड यूजफुल तो इम्पोसिबल है हाँ यूजलेस होता तो काम चल जाता

what can वट कैन बी द आंसर फॉर द सेम ओकेट सी cricket वैसे तो एक स्पोर्ट भी है और एक छोटा सा मस्क्यूटो मतलब एक तरीके का कीड़ा होता है उसको भी क्रिकेट बोलते हैं बट इफ यू मेरी एज अ क्रिकेट ना तो दिस इज डेफिनेटली नॉट अ स्पोर्ट तो यहाँ पर ये कोई गेम ऑफ क्रिकेट नहीं है गुड एट स्पोर्ट नहीं है कि यू आर वेरी गुड एट प्लेइंग क्रिकेट नो टू टू डांस एंड एंड सिंग बी फ्री एंड जॉयफुल इन स्पिरिट अगर आप इन दो ऑप्शन को देखोगे तो कन्फ्यूजन आ सकता है

अब सोचो क्या होगा okay. uh, आज मैंने आप लोगों को वैसे कल मॉर्निंग में एक ब्यूटीफुल सी स्टोरी सुनाई थी ना श्री कृष्ण जी की स्टोरी सुनाई थी ना महाभारत से जहां पर दुर्योधन ने कहा था कि उसे श्री कृष्ण की नारायणी सेना चाहिए और अर्जुन ने कहा था कि मुझे सिर्फ श्री कृष्ण चाहिए याद है इस स्टोरी से हमें क्या पता चला कि आप ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा यू नो आर्मी के साथ अगर हो तो ही जीतोगे एक अकेला पर्सन भी अगर दिमाग से तेज है और बलवान भी है यानी कि उसके पास एनर्जी भी है और पावर भी है तो वो कोई भी चीज़ आपको जिता सक नाइफाई से टू मीट वंस वाटर लू अगर हम ऐसे देखें तो आप सोचिए आप अपने आप अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव पर है जहाँ पर किसी और ताकतवर व्यक्ति ने तुम्हें हरा दिया तो वैन यू आर डिफीटेड बाई सम इज़ पावरफुल देन यू इज़ वे पावरफुल उसको कहा जाता है टू मीट वन वॉटर लुक इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम लड़ते लड़ते मर गए ना नहीं दो महाभारत में मरे थे बट नॉट दिस वन टू मीट अ स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी यहाँ एडवर्सरी क्या है आपका ओपोनेंट जैसे आप सब लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स नहीं है याद रखेगा यू आर ऑल एनिमीज यू आर ऑल ऑपोनेट्स एंड कंटेंडर्स टू मीट वन फाइनल डिफीट ऑफकोर्स ये

इज इट डन ओके तो आई हैव गॉट आंसर्स ऑलरेडी पहला वर्ड है डी स्पिरिटिंग इमेजिन मैंने आपके स्परिट को खत्म ही कर दिया इसका मतलब ये नहीं होता कि मैंने तुम्हारे घोट को खत्म कर दिया लाइक स्पिरिट ऑल्सो मीन घोट बाई दिट का मतलब यहाँ जील है डिस्करेज कर दिया है ना तो यहाँ पर जो वर्ड जाएगा दैट इज गोइंग टू बी डिस्करेज अगला वर्ड है फ्रेड इसके दो मीनिंग्स बताए थे ना आपको एक तो फाइट भी होता है दूसरा नर्वस एंड टेंशन में भी होता है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना समथिंग जिसमें व्ययर एंड टीयर है बोर्न आउट ये भी होगा रीटेन करनाज दंसर टू होल्ड टू की कहानी किसी भी इवेंट किसी भी सॉन्ग के पहरे का इंट्रोडक्टरी पार्ट तो इट इज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन बिगनिंग टू अज स्टोरी और मे बी टू अ स्मॉल स्टोरी एनीथिंग स्पियर हैड करनाडिंग यू

और दूसरा हमारी इकॉनमी जो हम पढ़ चुके हैं तो पहले चुनाव वाला आर्टिकल अब हम फिनिश करने वाले हैं अगर आप सब तैयार हैं तो अपनी अपनी जिम्मेदारी पहले पूरी कर लीजिए चलिए अब तो आप लोगों को आर करना है तो प्लीज सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यार मुझे अभी करते करते एक चीज़ और याद आई हम आपके साथ एक और चीज़ कर सकते हैं ये आप लोग हमें पहले नहीं सजेस्ट कर सकते थे हम आर्टिकल ऑफ द डे के साथ भी तो आरसी के पांच क्वेश्चंस बना सकते हैं जैसे हम एक ही कर पाते हैं क्योंकि एडिटोरियल मंडे से फ्राइडे वाला तो लेंदी होता है हम ये कर सकते हैं ना नेक्स्ट सैटरडे वी डूइंग दिस ठीक है ये बस याद दिला दीजिएगा फ्राइडे हमें ठीक है दैट्स ऑल सो दिस 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 इज इज वी आर गोइंग टू डू एंड विल बी टास्क है ना फॉर श्योर चलिए आज का आर्टिकल ऑफ द डे पर आते हैं द वर्ड इज डिटिंग सॉरी डिस पॉलिटिक्स ओके यहाँ पर डिस्करेजमेंट का बात हो रहा है वो भी पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या रहा है आप सब लोगों को थर्टी सेकेंड्स मिला है स्क्रीन देखने का पहले आप लोग देख लीजिए एंड देन आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग पहले आप पढ़ लो इस पैसेज को दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये पहला आर्टिकल है ऐसा जो एक, आप बोल सकते हो ना कि वो एक एग्जाम्पल सेट करेगा बाकी चुनाव के लिए रैलीस पूरे इंडिया में स्टार्ट हो चुकी हैं ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इलेक्शन के लिए तो मेक श्योर कि जैसे जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं आप लोग थोड़ा सा वेल well अवेयर हो कौन सा कहाँ पे हो रहा है किस दिन पहला फेज हुआ था कितना परसेंटेज वोट टर्न आउट हुआ था ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो आई स्टार्ट विद द डिस्कशन द बीजेपी इज द पार्टी ऑब्वियसली बात है हम गुजरात की बात कर रहे हैं इज ट्राइंग टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स गवर्नेंस रिकॉर्ड इन गुजरात ऑथर इज वेरी क्रिटिकल ऑफ बीजेपी हियर ऑथर कह रहा है कि बीजेपी बिल्कुल डाइवर्ट कर रहा है अटेंशन एक चीज और बता दे, ये ओपिनियटेड आर्टिकल है तो कोई अपना ओपिनियन मत बनाना उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो लोगों का अटेंशन भटका रहा है फ्रॉम इट्स गवर्नेंस अपनी गवर्नेंस से कि वो क्या किया है गुजरात में इससे लोगों का अटेंशन भटका रहा है इन गुजरात अब हुआ क्या है गुजरात में इन द फर्स्ट फेज ऑफ द गुजरात असेंबली इलेक्शन रिकॉर्डेड इन एन स्प्रेड अक्रॉस नाइनटीन सौराष्ट्र कच्छ एंड साउथ गुजरात लगभग टर्न आउट जो था वो सिक्सटी वोटर्स का था इच इज डेफिनेटली लो a total of 788 candidates are in a fray in the first phase theek hai ek tarike se ladai mein hai almost almost 788 candidates jo first phase mein honge in the second phase the remaining 93 seats will be vote will vote on december 5 बाकी second phase के चुनाव वहां पे गुजरात में कब होंगे December 5 को यानी कि Monday. द एंट्री ऑफ द आम आदमी पार्टी लेकिन दिस टाइम बीजेपी इज नॉट अलोन इन गुजरात आम आदमी पार्टी भी है the state where the bjp and the Congress have traditionally been the two poles. यहाँ पर इस बार तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला सीन है यानी अभी तक use bjp aur और hi ही दो ऐसे parties जिनके ऊपर मुद्दा चलता था और हर बार वोटिंग होती थी आम आदमी पार्टी is a न्यू एंट्री है na द आप अपियर्स यहाँ पे आप इज द आम आदमी पार्टी इट अपियर्स टू हैव इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह दिख रही है इन सर्टन पार्ट ऑफ सूरत सिटी सूरत में आपका प्रेजेंस दिख रहा है एंड द सौराष्ट्र रीजन टर्निंग द कॉन्टेस्ट ट्राइंगुलर इन सीट सच एज सॉरी रोड द एंड द ओलपाद मतलब यहाँ पर हमें हो सकता है थोड़ा सा ट्राइंगर बैटल देखने को मिले बिटवीन द बीजेपी कांग्रेस एंड आल्सो आप इसका पलरा बाहरी रहेगा वो तो बाद में देखा जाएगा पहले देखें चीफ मिनिस्टर मिनिस्टोरियल कैंडिडेटान गाधवी इज कंटेस्टिंग फ्रॉम जाम काम्बली इन सौराष्ट्र प्रेसिडेंट ऑफ इट स्टेट यूनिट गोपाल इटालिया इज कंटेस्टिंग फ्रॉम द इन सूरत यहाँ पे पार्टी में आम आदमी पार्टी से कौन कौन लोग चुनाव कर रहे हैं और वो किस जगह से लड़ रहे हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है ठीक है इन द 2017 इलेक्शंस इलेक्शन कांग्रेस हैड डन वेल इन द सौराष्ट्र रीजन वैसे तो दो हजार पे कांग्रेस ने भी सौराष्ट्र रीजन में अच्छा काम किया था विनिंग सीट्स इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अमरेली एंड मोरबी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी अमरेली में मोरबी में और सुरेंद्र नगर में गिर सोमनाथ एंड जूनागढ़ वाइल द बीजेपी होल्ड ओवर सूरत सिटी एंड अदर साउथ गुजरात डिस्ट्रिक्ट वही बीजेपी ने बाकी सूरत और बाकी के साउथ गुजरात डिस्ट्रिक्ट्स में अपनी जगह बना ली थी उस समय 2017 द एक्सटेंट ऑफ आप्स इम्पैक्ट लेकिन आप का जो इम्पैक्ट है इज डिफिकल्ट टू मेजर गिवन इट्स टॉप डाउन अप्रोच टू कैंपेनिंग एंड द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पार्टी स्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड एट दिस टाइम

एंड ट्राइंग टू की फोकस ऑन डे टू डे गवर्नेस वो लोग कह रहे हैं कि अगर आप हमें लाएंगे तो हम आपके रोजमर्रा की जिंदगी में ये सुधार देंगे वो सुधार देंगे so, वो पर बात इस बार करप्शन इनफ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट उसने चार मुद्दों को पकड़ के रखा है इस बार कांग्रेस ने करप्शन इनफ्लेशन गवर्नेंस और अनएम्प्लॉयमेंट पार्टी लीडर्स राहुल गांधी लास्ट ईयर तो राहुल गांधी ने बहुत सारे विजिट्स लिए थे गुजरात में बट दिस ईयर उन्होंने सिर्फ एक बार विजिट किया द स्टोरी हैज गॉट समथिंग एल्स सी व्हाट इज हैपनिंग द बीजेपी कैंपेन इज बीइंग स्प्यर हेडेड बाई मिस्टर मोदी बट दिस टाइम इट्स गुजरात एंड मिस्टर मोदी हैज टू बी हियर वो लीड कौन कर रहा है यहां का जो कैंपेन है मिस्टर मोदी हु इंक्रीज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स जिन्होंने इधर बीच में काफ़ी रेगुलर विजिट्स किए हैं टू हिज होम स्टेट फ्रॉम मार्च दिस ईयर

सो so, यहाँ पर इसको एम किया जा रहा है कम्युनल पोलराइजेशन की तरफ उनका मानना है कि बीजेपी आज भी कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रही है फिर एंड साइड स्टेप्ड एनी डिस्कशन ऑन गवर्नेंस और इस बार बीजेपी गवर्नेंस पर खैर कोई खास डिस्कशन कर नहीं रही वेर इट हैज बीन इन पावर ट्वेंटी सेवन अनप्टेड ईयर और आपको बता दें गुजरात में बीजेपी सत्ताईस साल से राज्य रही है बीजेपी इज रिलक्टेंस रिलक्टेंस का मतलब होता है वेन यू ट्राई टू बी वेरी अनविलिंग ना जवाब बहुत अनविलिंग हो डिसइंक्लाइंड हो किसी काम को करने के लिए सॉरी यू आर वेरी अनविलिंग टू डू समथिंग सो उनका जो रिलक्टेंस है टू सीक ऑन द ऑन इट्स गवर्नेंस रिकॉर्ड कैन बी रेड एज एन एडमिशन ऑफ इट्स फेलियर और ऑथर क्या कह रहा है कि बीजेपी गवर्नेंस का बात नहीं कर रही तो हो सकता है बीजेपी को खुद ही लग रहा हो कि बीजेपी ने गुजरात में कुछ खास काम नहीं किया है बट स्टिल माइट नॉट कॉस्ट इट है लेकिन ऑथर कह रहे है कि हो सकता है इसके बावजूद भी बीजेपी जीत जाए ठीक है फिर अगर आप उस पूरे आर्टिकल को देखोगे ना आपको क्या समझ में आया आपको नहीं लगा कि एक पर्सन के ओपिनियन के, के हिसाब से उसने पॉलिटिक्स को दो हिस्सों में बांट दिया था ठीक है? एक जो आप और कांग्रेस को लेके चल रहा है दूसरा जो बीजेपी चला रहा है, है ना यहाँ पे दो अलग अलग मुद्दों पे बात हुई थी बट हम नहीं जानते कौन मिस्टर मोदी हैं हम तो नहीं जानते राहुल गांधी को हम तो भैया स्टूडेंट्स हैं मैम हमें क्या करना है हम बिल्कुल ब्लैंक होकर आर्टिकल पढ़ेंगे अगर लेकिन आर्टिकल का टोन देखा जाए तो काफ़ी एसर्बिक नहीं था आपको नहीं लगा कि पॉलिटिक्स में इसमें एनालिसिस तो है बट इट इज़ मोर ऑफ अ क्रिटिकल आर्टिकल टुडे ये एसर्बिक टोन था हॉस्टिलिटी ज़्यादा था अग्रेशन थोड़ा ज़्यादा था इस आर्टिकल में तो हम आसान भाषा में क्रिटिकल लिखेंगे अगर ऑप्शन में एसर्बिक वर्ड आता तो आप इसको डाल सकते थे ठीक है ना आई विल बी टॉकिंग अबाउट यस्टर होमवर्क क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स है फिर से गलत कहा नो एरर था कल का सेंटेंस जरा बताएगा कोई ये तुम लोगों को सेंटेंस में नो एरर दिखा कहाँ पे हाउ कैन यू पीपल मेक सच ब्लंडर्स हाँ दो दिन से एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी का ही मिस्टेक आ रहा है मिस्टर डीपेस्ट पॉलिटिकल अपीयर्स बी ऑन प्रिवेंटिंग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल लगाओ भैया अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब को प्लूरल बनाना पड़ेगा और प्लुरल बनाने के लिए एस हटाना पड़ेगा तो अपीयर होगा ना आंसर यहां पे आंसर क्या होगा

आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले ग्रुप्स पे शेयर कर दो इसका होमवर्क कर लीजिएगा एंड आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन आई वेट फॉर एवरी वन आंसर डू नॉट मिस दिस आउट इन एनी विच वे यू गेट दैट ओके सर आपने स्क्रीन ले लिया डन बस स्क्रीन ले लो पहले पूरा फुल स्टॉप तक पढ़ना ठीक है ज़्यादा आप लोग अपनी दिमाग मत लगा लीजिएगा इस वाले में आइए चलिए आप लोगों को सेशन की कुछ जानकारियाँ दे दें सैटरडे आप इन्जॉय कर सकते अगर अभी तक आपने हमारा एम्बाइब ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं किया डाउनलोड तो उसे भी कर लीजिएगा बिकॉज इस पर आपको अपडेटेड लिंक्स और सेशन के पीडियप्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे सेशन पसंद आए तो लाइक 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 कॉमेंट 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 शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को कीप एम्बाइंग स्टूडेंट्स वी बिलीव इन यू कीप एम्बाइंग वी बिलीव इन यू